हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ लॉजिकल पहेलियाँ, जिसका आंसर आपको 5 सेकंड्स में कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की मजेदार पहेलियाँ शुरू करते हैं। शहर में हॉन्टेड हाउस की अफवाह उड़ रही थी। यह अफवाह मानव, मेहर और बालवीर तक पहुंच जाती है। तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि वह इस हॉन्टेड हाउस में घूमने जाएंगे। तीनों हॉन्टेड हाउस के सामने पहुंच जाते हैं। फिर वह सभी हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर वह सभी हॉन्टेड हाउस में घूमते हैं, लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे पे आते हैं तो उस दरवाजे पे कोड लगा रहता है। कोड पता करने के लिए उन्हें एक पहेली सॉल्व करनी रहती है, जहाँ तीन ट्रायंगल रहते हैं, लेकिन तीसरे नंबर के ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क रहता है, जहाँ उन्हें क्वेश्चन मार्क की सही वैल्यू पता करनी रहती है। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि वहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 72 आंसर आएगा। तो आइए समझते हैं कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे के दो नंबर्स है उनको ऐड किया है और उसके बाद उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 3 + 5 = 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 16। इसी तरह बाकी सब में भी यही ट्रिक लगी हुई है, इसलिए तीसरे नंबर के ट्रायंगल में भी यही ट्रिक का इस्तेमाल करें तो 3 + 6 होता है 9 और 9 × 8 हो जाएगा 72। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह 72 आएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। लेकिन अगली पहेली देखने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी पहेलियाँ मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जहाँ एक साइड डूबा डूबा खड़ा है और दूसरे साइड सीआईडी का अभिजीत और उसी के सामने बालवीर। तो आपको इन तीनों को ध्यान से देख के बताना है कि इनमें से कौन बचेगा। तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इनमें से डूबा डूबा बचेगा, क्योंकि आप पिक्चर में देख सकते हो कि अभिजीत बालवीर पे गोली चला रहा है, जिससे बालवीर मर जाएगा। और बालवीर मर गया तो अभिजीत भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि अभिजीत और बालवीर जिस वुडन स्लाइड पे खड़े हैं वह दोनों तरफ इक्वली डिवाइडेड है। इसलिए अभिजीत बालवीर को मारेगा तो अभिजीत भी नीचे गिर जाएगा और इन तीनों में से सिर्फ डूबा डूबा ही बच जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह पहेलियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।